Hello friends, welcome to Gates Measure. The topic is types of attributes in relational database, or we can say types of attributes in entity relationship model. Means basically ये जो part है, ये topic है, ये entity relationship में ज़्यादा आता है as compared to the relational model. But yes, you can compare for both also. So types of attributes में मेरे पहले जो type है वो है single versus multi-valued attribute. मतलब attribute actual में है क्या? एट्रीब्यूट किसी भी एंटिटी को हमने डिस्कस किया था, लेट्स से कि स्टूडेंट एक एंटिटी है. स्टूडेंट एंटिटी के बारे में जो स्टूडेंट एंटिटी की करेक्टरिस्टिक या प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन कर रहे हैं वो क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स, जिससे पता लगता है कि यस इट बिलोंग्स टू अ स्टूडेंट एंटिटी. तो स्टूडेंट एंटिटी के क्या एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं? लाइक स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हो सकते हैं. अब उनको हम एक तरह से मतलब उनको हम चेक कर रहे हैं कि क्या वो सिंगल एट्रीब्यूट है या मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट है. तो अगर सिंगल एट्रीब्यूट की बात करें तो नाम से पता लग रहा है कि ऐसा एट्रीब्यूट जिसकी वैल्यू जो है वो एक ही होगी. मतलब देयर विल बी ओनली वन वैल्यू फॉर एट्रीब्यूट, यू कैन नॉट हैव मोर देन टू वैल्यूज फॉर एट्रीब्यूट. व्हाट काइंड ऑफ एट्रीब्यूट फॉर अ स्टूडेंट? सिंपल सा एट्रीब्यूट है, लेट्स से रजिस्ट्रेशन नंबर. किसी यूनिवर्सिटी में रजिस्ट्रेशन नंबर की अगर बात करें तो हमेशा एक स्टूडेंट का एक रजिस्ट्रेशन नंबर जो होगा, मतलब एक स्टूडेंट के दो रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं हो सकते, बिकॉज रजिस्ट्रेशन नंबर इटसेल्फ आइडेंटिफाई करता है कि ये स्टूडेंट कौन है. मतलब एक यूनिवर्सिटी में हो सकता है स्टूडेंट के नेम सेम हो, फादर नेम भी सेम हो, एड्रेस भी सेम हो, लेकिन क्या चीज अलग होगी? रजिस्ट्रेशन नंबर. तो यानी रजिस्ट्रेशन नंबर सिर्फ सिंगल एट्रीब्यूट, सिंगल वैल्यूड एट्रीब्यूट है. इट डजंट मीन कि सिर्फ रजिस्ट्रेशन नंबर ही है, एज भी हो सकती है, बहुत सारे एट्रीब्यूट्स हैं. बट हमें सिर्फ एक एक एग्जांपल डिस्कस करना ताकि आपको ये टॉपिक जो है, ऑल्दो इट इज वेरी सिंपल, लेकिन आपको एक एक बार पता लग जाएगा तो आप इजीली इसको यूज कर सकते हो. अगर एग्जाम में पूछा जा रहा है तो आप इसके बारे में इजीली एक्सप्लेन कर सकते हो. सो मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट मीन्स जहां पे एक वैल्यू नहीं, मोर देन टू वैल्यूज. तो उसको एक्सप्लेन हम उसको एग्जांपल हम कैसे दे सकते हैं? लेट्स से मोबाइल नंबर. अ स्टूडेंट कैन हैव मोर देन वन मोबाइल नंबर. या एड्रेस ऑल्सो, स्टूडेंट कैन हैव मोर देन वन एड्रेस. एक परमानेंट एड्रेस है, एक कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस है. तो दिस इज व्हाट अ मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट. बट मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं ईआर मॉडल में? विद डबल एक्लिप्स. नॉर्मल एट्रीब्यूट को सिंगल को हम करते हैं सिंगल एक्लिप्स में, वो डबल एक्लिप्स में. दैट इज मल्टी वैल्यूड, जिसकी एक से ज्यादा वैल्यू भी टेबल में हो सकती है या जिसकी एक से ज्यादा वैल्यू भी एग्जिस्ट कर सकती है. देन सिंपल वर्सेस कंपोजिट. सिंपल मींस व्हिच कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर. मतलब वो अपने आप में सिंपल है, उसको फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते. जैसे कि अगर बात करें हम स्टूडेंट का एज, अगर हम एज की बात करें या स्टूडेंट की एज में सिंपल क्यों है? बिकॉज स्टूडेंट की एज अगर मैंने बोला 20, तो उसको फर्दर आप डिवाइड नहीं कर सकते. वो एक वैल्यू जो है वो फिक्स है, दैट इज व्हाट 20. इट कैन नॉट बी फर्दर डिवाइडेड. बट कंपोजिट एट्रीब्यूट क्या है? कंपोजिट एट्रीब्यूट इज एक्चुअली विच इज कंपोज्ड ऑफ मोर देन वन वैल्यू. मतलब अगर स्टूडेंट का नेम, लेट्स से स्टूडेंट का नेम, तो स्टूडेंट का नेम एक्चुअल में कंपोज्ड है स्टूडेंट का फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम. तो मतलब एक्चुअल में स्टूडेंट नेम तो है ही है, लेकिन स्टूडेंट नेम इज व्हाट एक्चुअली इट इज अ कंपोजिट एट्रीब्यूट और कंपाउंड एट्रीब्यूट भी बोल सकते हो. तो स्टूडेंट नेम इज फर्दर, इट कैन बी डिवाइडेड फर्दर, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम. दिस इज द सिंपल पोर्शन. देन स्टोर्ड वर्सेस डिराइव्ड एट्रीब्यूट. स्टोर्ड एट्रीब्यूट मतलब ऐसे एट्रीब्यूट विच कैन नॉट बी डिराइव्ड, मतलब जिनकी वैल्यू फिक्स है, स्टोर्ड है उनके अंदर. जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ, स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ अगर मैंने एक वैल्यू लिख दी, वो आप कहीं से डिराइव नहीं कर सकते. जो स्टूडेंट बोलेगा कि मेरी डेट ऑफ बर्थ इज दिस, तो वो डेट ऑफ बर्थ मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगा. बट
डिराइव्ड मीन्स नाम से पता लग रहा है, डिराइव मतलब जिसकी वैल्यू हमें नहीं पता, हम उसको एक्चुअल में डिराइव कर रहे हैं, मतलब हमें कोई और एट्रीब्यूट की वैल्यू पता है, उस एट्रीब्यूट से हम डिराइव कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड द डिराइव्ड एट्रीब्यूट। तो स्टूडेंट के केस में डिराइव्ड एट्रीब्यूट हो सकता है एज, एज कैन बी अ डिराइव्ड एट्रीब्यूट ऑल्सो। कैसे, एज को हम कैसे डिराइव कर सकते हैं, एज अगर मेरे को पता है कि स्टूडेंट की डेट ऑफ बर्थ ये है और टुडे डेट ये है, तो उसको माइनस करके, टुडे डेट से हम डेट ऑफ बर्थ माइनस करके हम पता लगा सकते हैं व्हाट इज द एक्चुअल एज। आजकल बहुत सारे वेब पेजेस में अगर आप चेक करो, वेब पेजेस में ऐसे लिखा आता है कि एंटर योर डेट ऑफ बर्थ, व्हेन यू एंटर द डेट ऑफ बर्थ क्लिक द टैब, नीचे एज वाले में ऑटोमेटिकली आ जाता है ईयर या मंथ्स, वो वाली ऑप्शन जो है वो अपने आप फिल हो जाती है, मतलब वो सिस्टम डेट से माइनस करके अपने आप कैलकुलेट कर लेता है व्हाट इज द एज। एंड द इंपॉर्टेंट पार्ट इज कि स्टोर्ड एट्रीब्यूट को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, नॉर्मल, देयर इज नो एनी स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन फॉर दिस, बट डिराइव्ड के लिए रिप्रेजेंटेशन है। डिराइव्ड इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड विद डॉटेड एक्लिप्स, इसको हम डॉटेड एक्लिप्स से रिप्रेजेंट करते हैं, मतलब जो भी एट्रीब्यूट आपको लग रहा है कि उसको हम डिराइव कर सकते हैं। जैसे अगर मैं कोर्स की बात करूं, एक एंटिटी है कोर्स, कोर्स आईडी, कोर्स नेम, कोर्स स्टार्ट डेट, कोर्स ड्यूरेशन, तो मैं कोर्स की एंड डेट फाइंड कर सकता हूं। कैसे, अगर मुझे कोर्स की स्टार्ट डेट पता है, लेट्स से कोर्स विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 2018 एंड द ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स इज 4 years, तो मेरे को पता लग जाएगा कि कोर्स विल एंड इन 2022, मतलब 4 साल आप उसमें ऐड कर दो। यू डोंट नीड टू स्पेसिफाई दैट, यू कैन फाइंड इजीली फ्रॉम ऑलरेडी एग्जिस्टिंग attributes. So this is the simple concept of derived attribute. But important point यहाँ पे याद रखना, how we represent that is dotted eclipse. Then key and non-key attribute. What is a key attribute? ये यहाँ पे मैं जरूर star mark करना चाहता हूँ, because key attribute जो है बहुत important है। ये ऊपर वाले तीन तो अगर आपको एक बार पता लग गए आप इसको नहीं भूलोगे, easy है, आप easily इसको find कर सकते हो, बट आपको कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि बताओ ये वाला एट्रीब्यूट सिंपल है या कंपोजिट है, ये तो आपका दिमाग आईक्यू काम करेगा, आप इजीली उसको फाइंड आउट कर सकते हो। लेकिन की एट्रीब्यूट एक्चुअल में क्या है, की का नाम से पता लग रहा है, व्हाट इज अ की, की एट्रीब्यूट इज अ एट्रीब्यूट विच इज यूज टू यूनिकली आइडेंटिफाई ईच एंड एवरी रो। मतलब हो सकता है कि एक स्टूडेंट, एक कॉलेज में या यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट का डेटा है, स्टूडेंट के डेटा में स्टूडेंट का नेम, स्टूडेंट का फादर नेम, एड्रेस, बहुत सारे कॉलम हो सकते हैं जिनमें वैल्यूज जो है वो सेम हो सकता है। यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे स्टूडेंट का सेम नेम हो सकता है, फादर नेम भी सेम हो सकता है, एड्रेस भी सेम हो सकता है, लेकिन एक ऐसा एट्रीब्यूट जिसके अंदर हमेशा यूनिक वैल्यू ही होगी, जिसके अंदर हमेशा यूनिक वैल्यू ही होगी, उसको हम बोलते हैं की एट्रीब्यूट। मतलब उसमें रिपीटेशन नहीं हो सकता। जैसे स्टूडेंट के टेबल में बात करें तो स्टूडेंट टेबल में मोबाइल नंबर रिपीट कर सकते, हो सकता है ब्रदर नहीं, दो भाई है, एक ने अपना मोबाइल नंबर दिया, छोटे भाई ने भी वही मोबाइल नंबर दे दिया, तो रिपीटेशन हो गया। या हो सकता है कि दो सिबलिंग पढ़ रहे हैं तो एक ने मोबाइल नंबर दिया अपने पेरेंट्स का, दूसरे ने भी सेम ही मोबाइल नंबर दे दिया, इट कैन बी पॉसिबल। डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ तो ऑब्वियसली बहुत सारे स्टूडेंट्स की डेट ऑफ बर्थ सेम हो सकती है। स्टूडेंट का नेम, डेफिनेटली स्टूडेंट के नेम तो अगर छोटे से क्लास में भी देखें, क्लास में भी कई स्टूडेंट्स के नेम जो हैं वो सेम हो सकते हैं। यूनिवर्सिटी की बात करें या बड़े डेटाबेस की बात करें उसमें तो बहुत सारे होंगे। एज, डेफिनेटली एक क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट्स की एज जो है वो सेम हो सकती है, लेकिन क्या सेम नहीं होगा, रजिस्ट्रेशन नंबर। अब रजिस्ट्रेशन नंबर मैं ले रहा हूँ एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी, हो सकता है किसी यूनिवर्सिटी में या कॉलेज में रोल नंबर चलता हो तो आप रोल नंबर को कंसीडर कर सकते हो। अलग अलग यूनिवर्सिटी, अलग अलग कॉलेजेस का अपना अपना फंड है, कहीं पे आईडी चलती है, कहीं पे SSN नंबर चलता है, तो आप इसको एक तरह से इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि what I mean to say कि रजिस्ट्रेशन नंबर इज व्हाट, एक्चुअल में इट इज अ नंबर विच इज ऑलवेज यूनिक। तो की एट्रीब्यूट को हम बोलते हैं यूनिक एट्रीब्यूट, और इसको रिप्रेजेंट करते हैं विद अंडरलाइन, अंडरलाइन। सो की एट्रीब्यूट इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड विद अंडरलाइन इन ER मॉडल। नॉन की, नॉन की मतलब ऐसा एट्रीब्यूट जिसमें कोई यूनिक वैल्यू, जरूरी नहीं है कि हमेशा यूनिक हो, नॉन यूनिक भी पॉसिबल है, जैसे बाकी सारे क्या है, नॉन यूनिक ही है, मतलब
इट कैन बी अ यूनिक और इट कैन नॉट बी अ यूनिक, बट अगर कोई एट्रीब्यूट की एट्रीब्यूट है तो फिर वो गारंटी है कि इट विल बी अ ऑलवेज अ यूनिक एट्रीब्यूट. बट नॉन की के केस में हो सकता है कि कोई वैल्यू सेम भी हो सकता है वैल्यू सेम ना भी हो, गारंटी नहीं है, लेकिन यहाँ पे गारंटी ही मिलेगी आपको. तो ये बाकी सारे कौन से एट्रीब्यूट्स हैं, नॉन की. और नॉन की एट्रीब्यूट्स को भी हम नॉर्मल ही रिप्रेजेंट करते हैं जैसे नॉर्मल एक्लिप्स. देन रिक्वायर्ड वर्सेस ऑप्शनल एट्रीब्यूट, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ एक्चुअली ईआर मॉडल, ये ईआर मॉडल में नहीं आता. हाँ, नॉर्मल सीक्वल में हम यूज करते हैं इसको, रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट को. रिक्वायर्ड मीन्स एक्चुअल में क्या मतलब बना रिक्वायर्ड का, कि जिसकी वैल्यू मैंडेटरी है. कई बार आता है ना वेब पेजेस में हम कई बार वैल्यूज डालते हैं, उसमें लिखा होता है मोबाइल नंबर इज रिक्वायर्ड, मतलब आप उसको अगर स्किप करते हो और पेज को सेव करते हो तो वहां पे रेड कलर में स्टार मार्क बना आ जाता है, बिकॉज दैट इज मैंडेटरी फील्ड. सो दिस इज व्हाट द मीनिंग ऑफ रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट. एंड ऑप्शनल मतलब जिसको आप छोड़ भी सकते हो. मतलब रिक्वायर्ड में क्या है, जैसे अगर मैं बोलूं स्टूडेंट के केस में रिक्वायर्ड क्या होगा, स्टूडेंट का नेम. जो बच्चा एडमिशन लेने आ रहा है वो नेम ही ना बताएगा तो नहीं, नेम शुड बी देयर. मोबाइल नंबर कैन ऑल्सो बी अ मैंडेटरी, बट नहीं है तब भी हम कोई ना कोई और मोबाइल नंबर लेके या हो सकता है नल वैल्यू वहां पे डाल दें. बट रिक्वायर्ड में आपका जैसे नंबर जो नेम है स्टूडेंट का दैट इज ऑलवेज रिक्वायर्ड. ऑप्शनल में यानी उसको छोड़ सकते हैं हम एक बार, फिलहाल के लिए उसको एक बार छोड़ सकते हैं. फर्दर अगर मेरे को कभी टाइम हो बाद में मैं उस डेटाबेस को फिल कर सकता हूं, जैसे कि एड्रेस या डेट ऑफ बर्थ. अगर नहीं भी बताया उसने कोई बात नहीं, ये डिपेंड करता है अलग अलग डेटाबेस में. हो सकता है अगर पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो वहां तो आपको डेफिनेटली देनी पड़ेगी डेट ऑफ बर्थ. अगर आप किसी और डेटाबेस के लिए अप्लाई, मतलब ये डिपेंड करता है, ये कोई फिक्स सिनेरियो नहीं है, अलग अलग केस में अलग अलग डिपेंड करता है. और ये एक्चुअल में कौन डिसाइड करता है, डेटाबेस एडमिन. मतलब कि जब हम एक्चुअल में स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, टेबल बनाते हैं, तो उस स्ट्रक्चर में हम मेंशन करते हैं कंस्ट्रेंट्स, कि ये कंस्ट्रेंट लगाया मैंने नॉट नल, कि यार कोई भी बंदा इस वैल्यू को खाली नहीं छोड़ सकता. ये कंस्ट्रेंट्स को हम फर्दर डिस्कस करेंगे. यहाँ पे बस सिर्फ आप एक बेसिक सा ओवरव्यू देख लो कि रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट मतलब जिसकी वैल्यू रिक्वायर्ड है. और रिप्रेजेंटेशन एक्चुअल में ईआर मॉडल में नहीं है, अगर पूछते भी हैं तो नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन है, कोई स्पेसिफिक रिप्रेजेंटेशन नहीं. सो दिस इज ऑल अबाउट बेसिकली व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स. एक छोटा सा और यहाँ पे है कॉम्प्लेक्स इज ऑलरेडी डन. कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट, ये भी कई बार लिखा होता है कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट. कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट इज वॉट बेसिकली, विच इज कंपोजिट प्लस मल्टी वैल्यूड. कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट मतलब विच इज कंपोजिट प्लस मल्टी वैल्यूड. जैसे कि अगर किसी स्टूडेंट के दो रेजिडेंशियल एड्रेस है और हर एक रेजिडेंशियल एड्रेस में दो फोन नंबर है, तो यानी पहले तो वो क्या हो गया, मेरे पास यहां पे एड्रेस कैन बी अ कंपोजिट. कंपोजिट कैसे, एड्रेस कैसे कंपोज हुआ, स्ट्रीट नंबर एड्रेस में. आप एड्रेस को भी कंपोजिट कह सकते हो, जैसे हमने यहाँ पे स्टूडेंट का नेम बोला था कंपोजिट है, ऐसे ही एड्रेस भी कंपोजिट है. स्ट्रीट नंबर, स्टेट, सिटी, कुछ भी, मतलब आप इसको फर्दर बाइफरकेट कर सकते हो. तो यानी ऐसा एट्रीब्यूट जो कि कंपोजिट भी है और मल्टी वैल्यूड भी है, दोनों का मिक्सचर है, उसको हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स एट्रीब्यूट. सो दीज आर दी बेसिक एट्रीब्यूट्स. ये कई बार आपको एग्जाम में डायरेक्टली दिए भी जा सकते हैं, अगर आ गया तो दिस इज योर लक, बिकॉज इसमें कुछ ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी है ही नहीं, दिस इज वेरी सिंपल टॉपिक. थैंक यू.